आप ये पूछिए मोदी से किसको एक करना चाह रहे हो, भारतीय तो सब एक है, आप किसको कह रहे हो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, किसके लिए कहा है आप? जो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेगा मेरी नज़र में तो देशद्रोही है। अच्छा, सीधी सी बात है, जो प्रधानमंत्री देश का काले देगा देशद्रोही है, अब प्रधानमंत्री उसकी इज्जत करो। हम तो भारतीय हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, बटना कटना तो 1947 में हो गया। अब तो हिंदुस्तानी सभी को कर रही। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब राणा। आफ्ताब जी, क्या कहेंगे जो एक तरफ बटेंगे कटेंगे का नारा योगी जी ने दिया, दूसरी तरफ अब मोदी जी एक नया नारा लेके आए हैं, एक है तो सेफ है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, मोदी जी का नारा है हिंदू मुस्लिम एक बन के रहो, यानी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वरना दुश्मन हमारे हिंदुस्तान में हमेशा मंडराते रहते हैं। जब से मोदी जी आए तो दुश्मन भागे हैं, तो मोदी जी का यह नारा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे इसमें कह रहे हैं कि ये धर्म को हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात कर रहे हैं। कौन बट रहा है? एक बार बट गया, एक बार बट तो गए, अब बटते थोड़ा ही रहेंगे। हिंदू मुस्लिम ना कभी बटा था, ना बटे हैं, ना कभी बटेंगे। एक बार बट लिए तो थे हम भाई, पाकिस्तान भेज जा लिए थे, तो एक बार बट तो गए, तब कौन बांट रहा है? मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं साथ, सबको लेके साथ, सबको साथ लेके चल। लेकिन जैसे कि अखिलेश यादव हो गए, आपके राहुल गांधी हो गए, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो नारे दे रहे हैं ना, बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सब कह रहे सांप्रदायिक नारे हो गए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं मोदी जी। कौन लड़ रहा है भाई? जो लड़ता है उसका इलाज भी कर देते हैं, फिर जो लड़ता है उसका इलाज भी हो रहा है, ट्रीटमेंट हाथों हाथ होता है, हाथों हाथ करती है भारतीय जनता पार्टी तो ट्रीटमेंट, जो भी दंगा करेगा हाथों हाथ ट्रीटमेंट है। भाई इतनी तो समझ दे रखी है हमें, लड़ना है या कटना है या बटना है, तो उन्होंने ये तो कहा है एक है तो सेफ है। तो ये तो कहा हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा बरकरार था, बरकरार रहेगा और हमेशा रहेगा। ये जो भी इस फुलवारी को हाथ लगाएगा ना, वही नष्ट हो जाएगा। एक मौलाना है तौकीर रजा, नाम से सुना होगा आपने, अभी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हमने अपने क्या नाम है जो युवा हैं उनको रोक रखा है, अगर उनको सड़क पर आ जाएंगे तो सरकारें कांप जाएंगी। भाई सबसे पहले तो जो इस तरह का भड़का भाषण देवे ना, इनको पहले अंदर, अच्छा इनको ठूसो अंदर, जो इस तरह का भड़का है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये गलत है ना, इस चीज़ है भाई, युवाओं को उकसाना, ये उकसाना होगा, उकसाओगे तो क्या करेंगे फिर, वही होगा दंगा। और फिर जब ये जेल में जाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी ने ठोक दिया, बिल्डोजर चला दे, फिर ये गलत है ना, इस तरह भड़काऊ भाषण देना गलत है। अच्छा, धर्म के बारे में, अच्छा आप तो एक जैसे आप तो मुस्लिम हैं, ठीक है, आप मोदी जी का इतना समर्थन क्यों करते हैं? ऐसा क्या हो गया मोदी जी ने, ऐसा क्या कर नहीं? मैं क्यों भाई, एक बात तो बता दो, अखिलेश यादव है मुसलमान, बहन जी है मुसलमान, कौन है? समर्थन की बात है, काम कर सही कर रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री है, इज्जत करते हैं उनकी, काम किया है मुसलमानों के लिए उन्होंने, नहीं करा है, क्यों नहीं करा है भाई? योजना का लाभ मिला है, बहुत बहुत योजना का हमें सबको मिला है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सबको कराए उन्होंने, सबका मिला है लाभ, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि काम भले किया लेकिन वोट नहीं देंगे। भैया देखो, लोगों का काम है करना, जिस वो तो मर्जी है किसी की, वोट अधिकार है अपना, जिसको देना है नहीं दो, हम देते हैं वोट, सीधी सी बात है, हम देते वोट मोदी के, बोलते हैं वोट देते तो खुल के क्या, क्यों कोई क्या कर देगा भाई, डरना थोड़ा है किसी से, हम तो परवाल से डरते हैं, हमें डरना नहीं है किसी से भाई, प्रधानमंत्री हो देश के, जो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेगा मेरी नज़र में तो देशद्रोही है। अच्छा, सीधी सी बात है, जो प्रधानमंत्री देश का काले देगा देशद्रोही है, अब प्रधानमंत्री उसकी इज्जत करो देश का। अभी अभी कई वोट दिया या नहीं दिया, इज्जत करनी चाहिए इंसान को। कई सारी चीजें हैं बड़ी चल रही, जैसे महाकुंभ भी आने वाला है, उसको लेकर अखाड़ा परिषद ने एक मांग रखी है कि कुंभ में, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने देंगे। उसी को लेकर शफीक रहमान बर्ग के बेटे जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम क्या नाम है मजारों पे, मस्जिदों में जो हिंदू आते हैं हम उनको घुसने नहीं देंगे। कुंभ में मेले में जाने में पहले तो मुस्लिम का कोई काम नहीं है, सीधी सी बात है, क्या क्या काम है बताइए आप मुझे? अगर कोई इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोग, उसमें तो काम ही नहीं मुस्लिम का जाने का, बताइए क्या काम है? मुस्लिम का कोई काम नहीं वहाँ जाने का, पता वहाँ पूजा कर लेंगे मुस्लिम जाके, हैं तो फिर क्या काम है जाने का? ये तो सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। हाँ भाई, उसमें तो कोई काम ही नहीं है मुस्लिम का जाने का, सीधी सी बात है। क्या नाम हुआ आपका? वही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जकी अहमद। जकी अहमद। अहमद जी, जी क्या कहेंगे जो देश में बटेंगे कटेंगे का नारा चल रहा है, एक तरफ मोदी है, एक कह रहे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगी, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये बटोगे कटोगे वाला जो डायलॉग किया था इन लोगों ने, योगी जी ने, उसमें हम तो भारतीय हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, बटना कटना तो 1947 में हो गया।
अब तो हिंदुस्तानी सभी को कर रही, अब जो नफरती हैं वो करती रहे, नफरत फैलाते रहे अपने वोटिंग बैंक में वोट के लिए। विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांटना चाह रहे हैं योगी जी मोदी जब से। नहीं, नेता लोग तो ये सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, इधर हमें बांटते हैं, इधर आपको बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करते ही, वो तो जातिवाद में अलग बांटते ही यही होता है। यहाँ पे होता क्या राजनीति इलेक्शन के टाइम पे है, उन्होंने कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसमें भी कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़े के कह रहे हैं कि ये बांट क्यों रहा है, हिंदू मुस्लिम को बांट क्यों रहे हो, खाली हिंदुओं को एक रहने की सलाह दे रहे हैं, क्या मुसलमान एक नहीं रहेगा क्या? नहीं, अभी उनसे ये पूछा है ना, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, हिंदू मुसलमान तो सेफ है और एक भी है, लेकिन एक किसको करना चाह रही, ये पूछना है मोदी जी से। आप ये पूछिए मोदी से किसको एक करना चाह रहे हो, भारतीय तो सब एक है। अब हम साथ भारतीय सब एक ही हैं। अब हम लोग सब साथ में खड़े हैं ना, स्वर्ग साथ में खड़े हैं। तो कौन कह रहा है कि तुम अलग हो जाओ, तुम इधर आ जाओ। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं ना कि ये जो नाराज तो कहते रहेंगे यार, ये सवाल है मोदी जी बताएंगे एक चलता रहेगा यार, भारतीय तो सभी एक हैं। आप किसको कह रहे हो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, किसके लिए कहा है आपने? हाँ। ये पूछना चाहते हैं बस। हाँ। किसको किसको कहा है किसको सेफ रहेंगे, आप जवाब देंगे क्या कहेंगे कि मोदी जी ने किसके लिए कहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे? हिंदू मुस्लिमों का है, दोनों एक मिलकर रहो नेक रहेगा, सेफ रहोगे बिल्कुल। अब विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है जो सत्ता में होता है दंगे करवाना काम होता है विपक्ष का, तो दंगे करवाएंगे। अब जैसे उपचुनाव में हो रहा, अब पलटवार कर रहे हैं मोदी, अगर योगी जी ने मोदी नारे दिया तो नारे वो भी दे रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं जगह जगह, देखा है आपने, एक से एक नारे चल रहे हैं, मेरे पे है सब होर्डिंग है मेरे, तो लगवा रहे सत्ता का सत्ता दी उनके कार्यालय पे भी, तो ये सिर्फ जनता का पागल बना रहे हैं विपक्ष है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और देश को आगे लेके चल रहे हैं। लगता है पहले योगी जी ने बटेंगे कटेंगे नारा दिया, अब मोदी जी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या मोदी जी अब योगी जी को फॉलो, हिंदुस्तानी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ना? नहीं, 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 मेरा कहने मतलब मोदी जी अब योगी जी को फॉलो कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री सीएम को फॉलो कर रहा है? नहीं, तो फॉलो क्या पार्टी के हैं वो है। भाई पार्टी के हैं ना है। तो फॉलो तो करेगा एक दूसरे को, पार्टी के हैं तो सीएम, अगर सीएम पीएम को फॉलो करे तो पता चलता है पीएम सीएम को फॉलो कर रहे हैं। नहीं नहीं, फॉलो नहीं, उनका अलग बयान है, उनका मोदी जी का अलग है, योगी जी का अलग बयान है। अच्छा, उनका कटोगे तो बटोगे, नहीं करोगे तो ये करोगे, तो उनका अलग बयान है। क्या नाम हुआ दादा? सीताराम। सीताराम जी क्या कहेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्या कहोगे इस पे? बढ़िया कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं। हाँ, ए राहुल गांधी कह रहे हैं कि बांटे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं ये लोग, वो कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम वो कर रहा है, हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को बढ़ावा दे रहा है, हिंदुओं को नीचे ढकेल रहा है। अच्छा, वो एक बात बताइए, अभी महाकुंभ भी आने वाला है। हाँ, उसमें अब मांग रखी गई है कि मुसलमानों की दुकानें वहाँ ना लगनी जाए, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ठीक ही है। हाँ, पिशा मिलाते हैं। हाँ, लेटरिन मिलाते हैं। हाँ, थूकते हैं। हाँ, ये सब जाके नहीं वो जगह में करेंगे तो ठीक रहेगा क्या? उसको लेके कई लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की दुकानें महाकुंभ में नहीं लगने देंगे तो हम भी जो मजार है मस्जिद है वहाँ जो हिंदू अपना काम करते हैं वहाँ भी हम भी नहीं लगने देंगे। ये तो न्याय है, न्याय की बात किया है उन्होंने, नहीं लगाना है उनके यहाँ, नहीं लगाना है, लगाने देना नहीं है उनको, हिंदुओं को लगाने देने ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, वही कह रहे ना कि ये ऐसे 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 नारे आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम नहीं, वहाँ पे मुसलमानों के लिए नो एंट्री है, यहाँ पे हिंदुओं के लिए नो एंट्री है, नो मुसलमान नो हिंदू। हाँ, उनकी जगह वो, उनकी जगह वो। अच्छा, हाँ, धर्म ये जो चल रहा है देश में सही चल रहा है आपके हिसाब से? बराबर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा अभी खड़गे जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि योगी जी ये जो भगवा पहने हुए कहते हैं, भगवा पहन के कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, कह रहे ये संत की भाषा नहीं होती है। ऐसा कैसे? अब संत जो राज्य को ये कर रहा है, चला रहा है राज्य को, तो वो भगवादारी हो या सफ़ेद हो, कुर्ता हो, कौन सा भी हो, उसमें क्या है? वो कह रहे हैं कि भगवा उतार के आइए, सफ़ेद पहनिए, तब राजनीति करिए, ऐसा तो मठ में जाके बैठिए, ऐसा कैसे होगा? हाँ, ऐसा कैसे होगा? भगवादारी को मना है और सफ़ेद को अलाउड है, ऐसा थोड़ा ही है। अरे भगवादारी में तो भगवादारी में करेगा, उसका प्रण है, उसका गुरु ने दिया आदर्श, वो कपड़े का मान मर्यादा रख रहा है वो, तो ये लोग कौन होते हैं कपड़े उतार के ना सफ़ेद कपड़े पहन के आओ? तो सही है सब, सही है बिल्कुल। वो खरगे जो है एक नंबर का बोगस आदमी है। हाँ।